सबसे महत्वपूर्ण इस साल जो फैसला युवाओं के लिए बचा लिया गया है वह है कि 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्लूटस आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल भारत का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण संसद में प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा। और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आप बजट के नाम से भी जानते हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसकी क्या भूमिका भारत राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में होगी और वैश्विक स्तर पर भी सभी राष्ट्रों का अपना अपना बजट होता है और उस बजट से हम भविष्योन्मुखी जो हमारा वृद्धि एवं विकास है राष्ट्र के लिए उसको तय कर पाते हैं। इसलिए यह एक तथ्य संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी मूलभूत विषय वस्तु को हम कंक्लूसिव वे में समझें और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लें ताकि इससे संबंधित प्रश्न हमसे परीक्षा में ना छूट पाए। चलिए अच्छा बजट की बात कर रहे हैं तो बच्चों सबसे पहले ये तो समझिए कि बजट क्या होता है। और मैं हमेशा अपने छात्रों को इस मंच के माध्यम से यही बताता हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को जरा अच्छे से अगर आप कैच कर पाएंगे तो परीक्षा निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए पहले बजट समझते हैं। अगर हम बजट की बात करें तो बजट बड़े स्तर पर देखने के पहले हमें अपने बजट के बारे में विचार कर लेना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना बजट होता है। आप लोग तैयारी करने आते हैं, यहां पर रूम रेंट पर लेते हैं, फ्लैट्स रेंट पे लेते हैं, कुछ घर से धन आ रहा है और आप उसी में अपना बजट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यानी जितना खर्च यानी जितना आय और व्यय आपको करना है उसका जो भी बैलेंस है वो आप तय करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो विषय वस्तु अतिरिक्त लेनी पड़ जाती है, किसी मित्र का जन्मदिन आ गया और उसके लिए गिफ्ट लेना था और फिर कहते हैं बजट बिगड़ रहा है, तो आप क्या करते हैं किसी से बोरो करते हैं। बेटा बोरो इसका मतलब जो धन आपके घर से आया था उससे अधिक आपका व्यय हो गया, इसका मतलब इस महीने आपको बजट घाटा है और उस घाटे को पूरा करने के लिए आपने क्या किया, किसी से ऋण लिया या किसी अन्य मद के द्वारा उसको पूरा किया। तो बजट घाटा भी समझ गए, यानी जितना है उतने में ही खर्च करना है, यानी जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने। खैर इस साल के बजट में हम देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेके प्रधानमंत्री मोदी जी की 3.0 सरकार आगे बढ़ रही है, इसलिए 4 मुख्य विषय वस्तुओं पर इस बजट में ध्यान दिया गया है। हालांकि इसमें आपको मध्यम वर्ग नहीं दिखेगा, मध्यम वर्ग वैसे भी ना इधर का ना उधर का बेचारा बीच में, इसीलिए उसको मध्यम वर्ग कहते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास। आप यहां देखेंगे सबसे पहले अन्नदाता यानी किसानों के लिए विशेष प्रयोजन किए गए हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि आने वाले भविष्य में जो सबसे ज्यादा ध्यान होगा वो पर्यावरण पारिस्थितिकी में होगा, अर्थात कृषि को हमें सतत कृषि और टिकाऊ कृषि में बदलना होगा। जल की समस्या पर्यावरण के चक्रों के बिगड़ने के कारण और गहराती जा रही, वाटर स्ट्रेस एरिया बन रहा है, इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा इस समस्या पर। तो एक माइंड में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना लीजिए कि पर्यावरण के अनुकूल रखते हुए ही और हरित योजनाओं को चलाते हुए हमें अब विकास की राह पर बढ़ना है, तभी हम सतत विकास कर पाएंगे। बार बार इस शब्द को आप पढ़ते ही रहते हैं। चलिए तो पहला तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अन्नदाता पहली चीज, ठीक। दूसरे पर रखा गया है गरीब को, हालांकि गरीब की कोई डिफाइंड डेफिनेशन अभी तक किसी को मिली नहीं, तो गरीबों के लिए अलग अलग, कुछ पैसे वाले गरीब भी होते हैं, ऐसा नहीं है गरीब के पास पैसा नहीं होता, कुछ वैचारिक गरीब भी होते हैं, ये शब्द है। खैर यहां गरीब का मतलब पैसे से ही है क्योंकि बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में फिर किसी अगले वीडियो में बात करूंगा, गरीबी को जरा ध्यान से देखें, ठीक। इसके बाद महिलाएं, वुमेन एम्पावरमेंट किसी भी देश के लिए और ऐसे देश के लिए जो विकासशील है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। महिलाएं मार्जिनल होती हैं और भारत में आपको पता है पितृसत्तात्मक पैट्रियारिकल सोसाइटी है, ऐसे में महिलाओं को केंद्रित करते हुए, महिलाओं को केंद्र में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। अगला है युवा शक्ति। भारत में जो एक औसत उम्र है वो 26 वर्ष है, इस समय औसत उम्र की बात कर रहा हूं, ऐसे में युवा वर्ग ज्यादा है और इस युवा वर्ग का
हम किस प्रकार से अपने देश के लिए उपयोग कर पाए और इनको उसके लिए किसकी आवश्यकता है, स्किल सेट की या इंटर्नशिप की, उसको किस प्रकार से दिया जाए, ये बजट में प्रावधान इस वर्ष किया गया है। बिना देर के आगे बढ़ते हैं और जरा समझने का प्रयास करते हैं कि बजट के अगले भाग जो हमारे पास हैं वो क्या है। अगर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो बजट में चार मुख्य विषय वस्तुओं पर ध्यान दिया गया है और सबसे पहले जो लगातार सरकार को घेरा जा रहा था, रोजगार पे ही सरकार ने ध्यान दिया। देखते हैं आगे के परिपेक्ष में, वीडियो में आगे, कि किस प्रकार से रोजगार सृजन सरकार करने की राह पर आगे बढ़ती है। कौशल परीक्षण, बेटा स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको रोजगार चाहिए। आजकल नॉलेज के साथ स्किल भी महत्वपूर्ण है। आपको पता है लगातार डिजिटलाइजेशन की वजह से डेटा साइंस, डेटा मैनेजमेंट और डिजिटलाइजेशन बढ़ने की मदद से और डिजिटल इंडिया जो कि एक पहल है, उसको समझने के लिए कोई स्किल्ड व्यक्ति चाहिए होगा जिसने उस एक क्षेत्र में कम से कम कुछ वर्ष कार्य किया। ये कुछ कुछ वैसा ही है स्किल। जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप खुद की गाड़ी खुद नहीं, ये कुछ ऐसा ही है कि हर कोई भी नाई अपने बाल स्वयं नहीं काट पाएगा, उसको दूसरे नाई के पास जाना है क्योंकि बाल काटना एक स्किल है। तो स्किल यानी कौशल प्रशिक्षण, छोटे मोटे कार्यों को सिखाकर रोजगार को डेवलप किया जाए भारत में, इस पर ध्यान है एमएसएमई। ठीक, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। औपनिवेशिक काल से भारत जो है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आपने पढ़ा होगा कि एक प्रश्न आता है कि भाई ये बताइए जरा कि ऐसा क्या हुआ कि जब भारत की कृषि का शोषण अंग्रेजों ने शुरू किया तो यहां के हस्तशिल्प भी बेरोजगार हो गए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस है, इसको आप समझेंगे कैसे। ठीक, तो जरा समझ पाइएगा विषय वस्तु को कि जैसे ही अंग्रेजों ने कृषि का शोषण शुरू किया तो जो कृषि थी वो हस्तशिल्प के लिए कच्चा माल उत्पादित करती थी। कृषि में अंग्रेजों ने नगदी फसलें बोने के लिए कृषकों को कहा। अब कृषकों ने जब नगदी फसलें बोई तो खाद्यान्न की कमी हुई भारत में, और इस खाद्यान्न की कमी की वजह से जो किसान थे उनकी स्थिति खराब हुई, क्योंकि नगदी फसलें बेचने पर लगान अधिक देना पड़ता था, तो हस्तशिल्प उद्योग भी खत्म होते गए और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में उस समय से थी, यही भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार आज भी है। ठीक है, और चौथे नंबर पे तो आपको पता है बेचारा मध्यम वर्ग, ये सबसे लास्ट में ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, दौड़ में पीछे, इनके पास होने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है और पाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है। इससे ज्यादा अगर आप मध्यम वर्ग से हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं। चला जरा आगे देखते हैं कि भाई विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं सरकार तय करना चाहती है, ये तो पता हो। तो जरा आप देखिए पीछे, अगर आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा तो कृषि उत्पादकता और अनुकूलन, ये पहला लक्ष्य रखा गया है। ठीक, बिना खाने के कोई काम नहीं। ठीक, भूखे पेट हरि का भजन भी नहीं होता, सबसे पहले कृषि पर ही ध्यान देना होता है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दैट इज शियर आयरनी कि भारत में सबसे शर्मीले लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा आबादी इसी की। अब ये तो आप देख लें कि किस प्रकार से, लेकिन है यही कुल मिला के। इसलिए खाना बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा खाना, इसलिए कृषि उत्पादों में हमें थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्योंकि लगातार अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अजरबैजान में होने वाला है, वहां भी हम जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे और हिस्सा लेंगे, इसलिए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप हमें कृषि को ढालना होगा। जरा देख पाए, राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सहकारी मंत्रालय भी बना दिया गया है, यानी सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र का अर्थ है कि राज्य और केंद्र मिलकर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। योजना आयोग, जहां पर केंद्र का हस्तक्षेप ज्यादा था, उसको खत्म ही इसलिए किया गया क्योंकि नीति आयोग के माध्यम से राज्यों को समान प्रतिनिधित्व, सहकारिता की भावना, तो वही सहकारिता की भावना आप कृषि में और सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए हम प्रयास करेंगे। पहला तो ये। दूसरा, अगर आप लक्ष्य देखें कि परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, यानी उत्पादकता बढ़ानी है पहली चीज। मैंने कहा जलवायु परिवर्तित हो रही है, इसलिए जलवायु के परिवर्तन के अनुसार हम
कृषि की किस्मों पर जोर देंगे और कृषि अनुसंधान की व्यापक व्यवस्था और व्यापक समीक्षा भी करेंगे कि एग्रीकल्चरल जो हमारे अनुसंधान है ठीक उसको कैसे बेहतर करें, कैसी किस्में हमें इस जलवायु परिवर्तन में चाहिए, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे संस्थान है, जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान परिषद, वो दलहन पर अनुसंधान करते हैं। तो दालों की किस्मों में क्या परिवर्तन करना है जलवायु परिवर्तन, इसको देखेंगे और ये बजट में आवश्यक है। और आगे बढ़िएगा तो आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत, कहां आत्मनिर्भर बनना है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों के लिए आत्मनिर्भरता का हम प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि की बात है तो नई किस्मों को भी शुरू करना पड़ेगा और 32 ऐसे कृषि और बागवानी फसलों की 100 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी, 109। इसके बाद सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, अनाज उपज गया अब सब्जी भी, तो सब्जी के संरक्षण, उसके भंडारण और उसके विपणन अर्थात मार्केटिंग के लिए सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं यानी किसान उत्पादक संगठन हो या सहकारी समितियां हो या स्टार्टअप्स हो, उनको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो यहां पर सबसे पहले किन किन क्षेत्रों में कृषि पर ध्यान दिया जाएगा इसको हमें देखने की आवश्यकता है। तो जरा चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक कृषि को देख लीजिए कि अगले 2 वर्षों में जो लक्ष्य रखा गया है वह है कि 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी, इसमें धन लगे। ठीक, इसके बाद 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात। झींगा उत्पादन फिशरी प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है इकोनॉमी में, जहां एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री इनकी बात होती है। और ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये द्वितीयक क्षेत्र को सपोर्ट कर रहे होते हैं। भाई साहब, रॉ मटेरियल कच्चा माल है नहीं, उसकी उत्पादकता बढ़ाए नहीं और लगे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मन लगा के, उसका सर्विस सेक्टर बैठ जाएगा। ठीक, ये जो मैं आपसे संवाद कर रहा हूं मैं तभी कर पा रहा हूं जो मेरे पेट में भोजन है, 2 रोटी है, रोटी नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी तो संवाद भी नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए झींगा उत्पादन और निर्यात, अब झींगा खेती, प्रसंस्करण, निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास किया जाएगा, जहां 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीनों को शामिल करने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाई जाएगी। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लागू किया जाएगा। जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड की घोषणा और योजना की जाएगी। इसके बाद रोजगार और कौशल परीक्षण की बात करते हैं, जो कि दूसरा विषय बिंदु हमारा था। यहां पर आप देखेंगे कि पीएम पैकेज यानी रोजगार संवर्धन के लिए 3 योजनाएं चलाई जाएंगी, यानी जितने भी क्षेत्र हैं ठीक उसमें जो भी औपचारिक क्षेत्र हैं उसमें पहली बार जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उनको 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 माह का वेतन मिलेगा। 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की इससे आशा है, यह पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए। इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र ठीक यानी जो हमारा डेवलपमेंट क्षेत्र है उस क्षेत्र में रोजगार सृजन कैसे होगा, तो प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन इसमें होगा और इससे 30 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने का प्रावधान। ईपीएफओ प्रैक्टिकलिटी एक अलग भाग में बताऊंगा, बड़ा सार्कास्टिक विषय है। ठीक है, आपको पता चलेगा देश में रोजगारों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया जाता है या बेरोजगारों की संख्या का अनुमान, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए। खैर, सरकारी नियोक्ताओं के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति की जाएगी और 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की इससे आशा है। इससे जो धन आएगा उसे और नई 50 लाख नौकरियां मिल पाएंगी। ठीक, आगे अगर बढ़ा जाए और बजट में और आगे चले तो उद्योग के सहयोग से जो कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना है उसको किया जाएगा, जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी मदद से। ठीक है, ये एक अच्छी पहल, और महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है
और शिशु ग्रहों की स्थापना करनी। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण और प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को इससे सहायता मिलने की आशा। घरेलू संस्थानों में देखेंगे तो उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर मिलेगा। 3% तक वार्षिक ब्याज सहायता देने की बात की गई। हमने कहा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो इसमें पीएम पैकेज में 4 योजनाएं, 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण, यानी सिर्फ परीक्षण देने से कार्य नहीं, उनका नियोजन भी सार्वजनिक स्तर पर हो पाए उसका, यानी 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा और नए बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फ्रेमवर्क, यानी इंडस्ट्री को क्या चाहिए उसके अनुसार हम अपने पाठ्यक्रम को बनाएंगे ताकि रोजगार में बढ़ोतरी हो सके, रोजगार अधिक मात्रा में मिल सके। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस बजट में आता है और किसी भी बजट में होना चाहिए, वो होता है समावेशी विकास, जो कि शासन की मूलभूत विषय वस्तु होती है। समावेशी विकास समस्त भारत को साथ में लेकर चलने, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा कि भारत की बात करते हुए उत्तर पूर्व भारत को कहीं ना कहीं हम निगलेक्ट या छोड़ रहे होते हैं या लोग मानते नहीं है। अब कोई ये ना कहे कमेंट बॉक्स में आके, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, हम तो बहुत सम्मान देते हैं। सामान्य सी बात है, रेसिज्म है, इसको मानना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शुतुरमुर्ग बनने से अगर काम चल रहा है तो फिर लाभ ही क्या है, ठीक। लेकिन इस बजट में समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के स्तर पर, ठीक, जो कि प्रश्न पत्र संख्या 2 में पूछा जा सकता है कि पूर्वोदय के विकास और विरासत के लिए भी हमने प्रयास किए हैं कि विकसित भारत का लक्ष्य हमें तभी मिल सकता है जब संपूर्ण भारत समावेशी रूप से विकसित हो, और इसके लिए पूर्वोत्तर का विकसित होना जरूरी है। इसलिए वहां आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र में जो प्राकृतिक निधि है उनसे जो राज्य संपन्न है, जिसमें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ऐसे जो राज्य हैं उनको शामिल किया गया है। गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं और बालिकाओं के लाभ के लिए इस क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों के उद्धार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इस योजना को बनाया गया है, जिसके जरिए 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा और वहां पे जो आदिवासी समुदाय रह रहे हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। भाई साहब, 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इससे लाभ होगा, 5 करोड़, बड़ी संख्या। इसे बजट में जनजातीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र और पूर्व के क्षेत्रों की अपनी निधियों को इस्तेमाल करते हुए उनका विकास करना और उनके विकास को सुनिश्चित करना, ताकि भारत का भारत का मतलब ये थोड़ी ना दिल्ली साहब जी, बेंगलोर, ठीक, और भोपाल, ठीक, लखनऊ, भारत बहुत बड़ा है। आजकल तो खैर दिल्ली में भी नाव चलानी पड़ जाती है बारिश के टाइम, लेकिन फिर भी भारत बहुत बड़ा है, इसको ऐसे समझें। कई जगह पे अभी विकास नहीं पहुंचा है, विकास ऐसे ढूंढा जाए तो मिलेगा नहीं उन जगहों में, ठीक, लेकिन पहुंच रहा है ना, कभी कभी इधर उधर चला जाता है गुस्से में, तो इससे परेशान हो, लेकिन फिर भी प्रयास कर रही है सरकार, ठीक। अपने देश में एक बढ़िया बात है, कार्य होना हो प्रयास बहुत होते हैं, ठीक, खैर देखते हैं आगे कितना प्रयास होगा। इसके बाद इसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोलने का प्रयास है, ताकि आर्थिक कार्यों में, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सके, ठीक। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 24-25 में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। आंध्र प्रदेश के लिए इसलिए की जाएगी क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सरकार को समर्थन दिया, उनकी पार्टी ने, तो उनके लिए नहीं करते तो फिर कैसे, अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है ना। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी, ठीक, पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करना यह लक्ष्य रहेगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर
कोपार्थी नोड में और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में ओरवाकल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़क, इन अवसंरचनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटा, जब शासन चलाया जाता है तो बजट का आवंटन इसलिए किया जाता है क्योंकि शासन चलाने में अगर आपको मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करना है तो उसमें जहां सरकार, जहां बाजार कम है, जहां मार्केट कम है, वहां सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होगा। और सरकार के हस्तक्षेप ज्यादा होने के 3-4 रीजन, कानून व्यवस्था, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण, ठीक, इसलिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण के बिना इन क्षेत्रों में भी मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको पूरा नहीं किया, इसलिए भी इसका आवंटन किया गया। सारी विषय वस्तु जोड़ के देखा करिए, बजट को समझते हुए, योजनाओं को समझते हुए, सिर्फ ये आवश्यक नहीं होता है कि इसको अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, यह भी आवश्यक होता है कि सामाजिक न्याय, भारतीय समाज, महिलाओं की स्थिति, किसानों की स्थिति, उत्तर पूर्व की स्थिति, सारी स्थितियां, समावेशी विकास हो रहा है कि नहीं, जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। खैर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई देगा विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, कि क्या क्या प्राथमिकताएं इस बजट में विकसित भारत के लिए रखी गई। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, एमएसएमई के ऋण के लिए नया मॉडल बनाया जा रहा है, ट्रेड्स अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए एक बढ़ा हुआ दायरा डेवलप किया जाएगा, मुद्रा ऋण, जहां तरुण श्रेणी में इस ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद खाद्य अभिकरण गुणवत्ता सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां बनेंगी और स्टेट अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता भी मिलेगी। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आपको दिखाई देगा कि युवाओं के लिए कितना बढ़िया प्रयास सरकार ने किया है, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास, औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं युवाओं के लिए, ठीक, वीजीएफ सहायता के साथ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत औद्योगिक कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप आवासों के साथ किराया आवास, उनके रहने की व्यवस्था, क्योंकि ये बदलते रहते हैं जगह, ठीक, घरेलू उत्पादन रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन चलाया जाए, दिवालियापन समाधान में गति लाने के लिए अधिकरण और अपील अधिकरण को सुदृढ़ करेंगे और अतिरिक्त अधिकरण भी स्थापित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इस साल जो फैसला युवाओं के लिए बचा लिया गया है वह है कि 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी, इसके अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रति माह उन्हें 5,000 रुपए का भत्ता और 6,000 रुपए की एककालिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके से एक विकसित भारत को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं को, पूर्वोत्तर को, किसानों को, मध्यम वर्ग को, हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए। जल्द ही हम आपको दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे जहां हम इस बजट की और विस्तृत चर्चा कर रहे होंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को फॉलो कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें, और एक कमेंट अगर आप अच्छा सा कर देंगे तो हमें भी और हमारी टीम को भी मनोबल में वृद्धि के साथ ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।